दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि YouTube पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है, किस तरह से हम वीडियो अपलोड करें जिससे YouTube सही लोगों के पास हमारा वीडियो रिकमेंड करे। अपना वीडियो YouTube एप्लीकेशन से लोड करें या YT स्टूडियो से अपलोड करें। तो दोस्तों, अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपना वीडियो YouTube एप्लीकेशन से अपलोड करें। सही तरीके से वीडियो अपलोड कैसे करें, कैसे टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लिखें, चलिए आपको लाइव दिखाता हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। दोस्तों, YouTube एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप अपने वीडियो के लिए, जो वीडियो आपको अपलोड करना है, उस वीडियो के लिए कुछ न कुछ आप टाइटल सोच रखे होंगे। दोस्तों, आपको क्या करना है, उस टाइटल को सर्च करना है अपने यूट्यूब में। कैसे सर्च करना है दोस्तों, वो ध्यान से देखिए, मैं आपको पूरा डिटेल्स बता रहा हूँ। यहाँ पर जो आपका यूट्यूब चैनल का जो लोगो है ना, आपको लोगो पर क्लिक कर लेना। अब लोगो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको ऊपर दिख जाएगा, स्विच अकाउंट और गूगल अकाउंट, और तीसरा नंबर जो है दोस्तों, तीसरे नंबर पे आपको क्लिक कर लेना। दोस्तों, तीसरे नंबर पे क्लिक करने के बाद जो आप अपने YouTube चैनल के लिए, जो अपने वीडियो के लिए जो आपने टाइटल सोच रखा है, उस टाइटल को यहाँ पे आपको सर्च करना है। जैसे मैंने अपने टाइटल को सोच रखा है यूट्यूब, किसी भी यूट्यूब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में कैसे पेस्ट करें, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा। चलिए मैं सर्च कर लेता हूँ। अब जैसे सर्च करने के बाद यहाँ पे दोस्तों मैं सर्च कर लेता हूँ। अब सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे कीवर्ड आ गए। ये सारे कीवर्ड हमारे वीडियो से रिलेटेड है कीवर्ड। इस कीवर्ड को आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके नोट कर लेना है, या तो इसको किसी तरह से कॉपी करके, अगर कॉपी करने का एप्लीकेशन होगा तो उससे कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको बोनस टिप बताऊंगा। दोस्तों, आपको एक बोनस टिप दूंगा, ठीक है, वीडियो में लास्ट में बताऊंगा। तो इसको कॉपी करने के बाद, या लिख लीजिए, कॉपी पेन पे लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसको मैं कॉपी करके, ये नोट करके एप्लीकेशन है, इसका इस्तेमाल करता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ। अब एक तरीके से हमने सर्च कर लिया दोस्तों, सर्च करने के बाद इसको नोट कर लिया। अब इसको हम दूसरे तरीके से सर्च करेंगे। चलिए दूसरे तरीके से सर्च कर लेते हैं। आपको दोस्तों अपने कीवर्ड को दो तीन तरीकों से, चार तरीकों से सर्च करना है, ठीक है। तो ये कीवर्ड जो होता है ना दोस्तों, पब्लिक यही कीवर्ड सर्च करके आपकी वीडियो पे आएगी। तरह तरह से लोग सर्च करते हैं, लोग अपने अपने तरीके से सर्च करते हैं, तो वैसे आपको सर्च करना है। जितने कीवर्ड आएगा आपको नोट कर लेना। चलिए एक तरीके से हमने सर्च कर लिया, अब दूसरे तरीके से सर्च करते हैं। अब दोस्तों हम दूसरे तरीके से सर्च करते हैं। जैसे हमने देखिए यहाँ पे सर्च कर लिया, YouTube वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जैसे हमने लिखा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इतना सारे कीवर्ड आ गए। अब आपके वीडियो पे दोस्तों यही सारे कीवर्ड सर्च करके पब्लिक आएगी। अब आपको क्या करना है, इसको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद अब आपको दो तरीका हो गया दोस्तों, और तरीके से, एक दो तरीके से और सर्च कर लेना। चलिए मैं एक दो तरीके से और सर्च कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे एक नया कीवर्ड हम उसको सर्च कर रहे हैं हमारे वीडियो से रिलेटेड, यहाँ पे सर्च करते ही दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह के कीवर्ड आ गए। अब इसको क्या करना, सारे कीवर्ड को आपको नोट करना है दोस्तों। नोट करने के बाद आपको क्या करना है, ये सारे कीवर्ड को डिवाइड करना अलग अलग तरीके से। कैसे डिवाइड करना दोस्तों, मैं डिवाइड करके रखा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये नोट करके एक एप्लीकेशन है, मैं इसमें सारा तीन तरह से कीवर्ड मैंने सर्च किया, तीनों यहाँ पे लिया। फर्स्ट बार सर्च किया तो यहाँ से यहाँ तक आया दोस्तों, सेकंड बार ये कीवर्ड आया, थर्ड बार हमने ये कीवर्ड आया। अब इसमें से दोस्तों जो आपको इजी लगे, अच्छा लगे आपको, उसका आप टाइटल बना लेंगे। यहाँ पे हमने टाइटल बना लिया दोस्तों। अब इस टाइटल को आपको क्या करना, देखिए हमने यहाँ से सबसे फर्स्ट वाला जो होता है ना, सर्च करते हैं जो सबसे फर्स्ट वाला कीवर्ड आता है उसको हम टाइटल में डाल देते हैं। देखिए हमने टाइटल में, यहाँ टाइटल बना रखा है, इसको हमने टाइटल में डाल दिया, ठीक है, फर्स्ट ये है, और सेकंड नंबर हमने इसको इसको लिया, ये इस इन दोनों को मिला के हमने टाइटल बना लिया। अब आपको क्या करना है, ये टाइटल को इसको कॉपी कर लेना है। हमने टाइटल बना रखा है, आपको भी ऐसे ही टाइटल बना लेना है, जो आपको अच्छा कीवर्ड लगे, आपको लगे कि हाँ पब्लिक इसे ज़्यादा सर्च करती है, जो सबसे ऊपर में आए उसी को आपको टाइटल में डालना। अब इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करके दोस्तों आपको अपने यूट्यूब चैनल पर आ जाना। जैसे ये हमारा यूट्यूब चैनल है, चलिए हम इसको इसको अभी क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करके इसको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद दोस्तों ये अब आपका YouTube चैनल ओपन हो गया। अब आपको क्या करना दोस्तों, आपका व्यू चैनल लिखा हुआ उस पर भी क्लिक कर सकते हैं, या तो ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं डायरेक्ट प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर लिया। यहाँ पे लिखा है दोस्तों अपलोड ए वीडियो, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको आपका जो वीडियो है ना, उस वीडियो को फाइंड कर लेना। चलिए मैं वीडियो को फाइंड कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने अपनी वीडियो को फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे जो दिख रहा है आपको प्लस का आइकन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करके आप अपने थंबनेल को लगा सकते हैं। चलिए मैं अपने थंबनेल को लगा लिया। अब यहाँ पे दोस्तों थंबनेल लगाने के बाद, जो हमने टाइटल को कॉपी किया था, यहाँ पे आपको टाइटल पेस्ट कर देना। जैसे मैंने ये टाइटल अपने पेस्ट कर दिया।
अब इस टाइटल को आपको क्या करना है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर देना है। ये टाइटल एज इट इज जैसे है वैसे ही आपको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक भी स्टेप को मिस करेंगे ना तो आपका वीडियो परफेक्ट तरीके से अपलोड नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या करना, टाइटल पेस्ट करने के बाद दोस्तों इसको बैक कर देना। बैक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो मैंने पूरे कीवर्ड को पेस्ट किया ना, यहाँ से सारे कीवर्ड को हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। चलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ फटाफट। अब सारे कीवर्ड को कॉपी करने के बाद अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसके डिस्क्रिप्शन में सारे कीवर्ड मैं यहाँ पे लगा दूंगा। चलिए मैं सारे कीवर्ड को पेस्ट कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब कीवर्ड को पेस्ट करने के बाद दोस्तों, अगर आपका कोई सोशल मीडिया का लिंक वगैरह है, आपके कोई सोशल मीडिया का लिंक वगैरह है तो लिंक को भी आप उसमें पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपने टेलीग्राम का, व्हाट्सअप चैनल का और इंस्टाग्राम का लिंक है मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ। इसको भी आपको क्या करना है, ठीक इसी तरह से आपको यहाँ पे लाके कॉपी कर देना है। अब जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अब यहाँ पे ऐसे आपको भी पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद दोस्तों इसको बैक करना है। बैक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है, अब आपका दिख रहा है दोस्तों विजिबिलिटी, आपको विजिबिलिटी में को क्या करना है, अनलिस्टेड पे ही रखना है आपको, अनलिस्टेड पे, यहाँ पे आपको अनलिस्टेड ही रहेगा। अनलिस्टेड पे करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर उसके बाद आपका प्लेलिस्ट है तो प्लेलिस्ट में आप डाल सकते हैं, प्लेलिस्ट बना रखे तो, नहीं प्लेलिस्ट है तो इसको छोड़ दीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपका कुछ ऑडियंस सेलेक्ट करना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे देखिए, अगर आपका वीडियो बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए है, तो आपको यहाँ पे एस इट्स मेड फॉर किड्स को सिलेक्ट कर लेना है। अगर बच्चों के लिए नहीं है तो यहाँ पे नो इट्स मेड फॉर किड्स, यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। अगर एस पे क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो खाली बच्चों को रिकमेंड करेगा तो दोस्तों वीडियो पे व्यूज आएगा ही नहीं, ठीक है। अगर नो पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपका बच्चे बड़ों सबके पास जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नो पे क्लिक कर देना आप, अगर आपके बड़े के लिए है तो। इसके बाद ये एरो पे क्लिक करना है, एरो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये नीचे वाला जो दिख रहा है ना, आपको नीचे वाले पहले सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको बैक कर देना। बैक करने के बाद दोस्तों अब आप वीडियो को डाउनलोडिंग में लगा दीजिए। अब वीडियो को डाउनलोडिंग में लगाने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है, बैक आ जाना। देख लीजिए आपका वीडियो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखने का क्या फायदा होता है, वीडियो अपलोड होने के बाद बीच में ये ब्लू ब्लू लाइनिंग आ जाती है, जो यूट्यूब का एल्गोरिथम होता है ना, आपके वीडियो को फाइन करता है कि किस कैटेगरी में कहाँ पे वीडियो डालना है और किसके पास इसको कौन सी वीडियो को सजेशन में भेजना है, किसके पास रिकमेंड में भेजना है, ये सारा यहीं पे यूट्यूब का एल्गोरिथम डिसाइड कर लेता है। तो अब यहाँ से इसको ये डाउनलोड हो रहा है, इसको होने दीजिए। अब आपको बैक आ जाना। अब जो हमने कीवर्ड को नोट करके रखा है दोस्तों, इसमें से आपको टैग के लिए निकालना है। टैग के लिए क्या निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने ये तीन कीवर्ड जो हमने टाइटल में कीवर्ड दिया था ना, टाइटल में जो दिया था कीवर्ड वो तीन वो हो गया, और इसमें से जो सर्च किया था हमने सबसे टॉप में, जैसे एक दो तीन सबसे टॉप में तीन तीन चार चार कीवर्ड उठा लेना है। अब इसमें देखिए एक दो तीन है, इसमें से दो ले लीजिए या तीन ले लीजिए, क्योंकि बड़ा बड़ा कीवर्ड है तो दो दो तीन तीन सबसे टॉप में ऊपर जो आया है उसको निकाल के आपको डिस्क्रिप्शन में लगा लेना है, सॉरी टैग में लगा लेना है। तो चलिए मैं फटाफट इसको अलग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं टैग में डालने के लिए इतना कीवर्ड मैं फाइन कर लिया हूँ, जो भी मैं सर्च किया था सबसे ऊपर वाला कीवर्ड है वो हमने फाइन कर लिया। अब इसको आपको क्या करना है, ऐसे कॉपी कर लेना है, या आप डायरी में लिखे हैं तो उसको देख देख के वहाँ पे लिखना है, या तो यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद दोस्तों अब आपको आ जाना है YT स्टूडियो में। सबसे मेन काम दोस्तों यहीं पे है, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, टाइटल आपको अच्छे से कर देना है। यहाँ पे जैसे देख लिया, अब आपका वीडियो मिलेगा कहाँ, यहाँ पे नीचे दिख जाएगा दोस्तों कंटेंट, आपको कंटेंट पे क्लिक करना है। कंटेंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों वीडियो यहाँ पे अपलोड हो रहा है, ठीक है, ये वीडियो अपलोड हो रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जो पेन का आइकन है आपको पेन के आइकन पे क्लिक कर लेना है, पेंसिल वाली आइकन, इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन तो सारा हमारा ऐड हो गया है, जो भी लिंक वगैरह हमने पेस्ट किया यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अब इसको अच्छे से सेट करने के बाद आपको क्या करना है, ये आ जाना है आपको टैग में। अब टैग अगर कॉपी कर रखे हैं तो भी यहाँ से अच्छे से पेस्ट कर देंगे, अगर लिख के रखे हैं कहीं कॉपी पे पेन लिख के रखे हैं तो यहाँ पे देख देख के आप लिख लीजिए। चलिए मैं तो कॉपी करके रखा हूँ, यहाँ पे सारा मैं पेस्ट करता हूँ, देखिए कैसे कैसे मैं पेस्ट करता हूँ, ऐसे ही आपको पेस्ट करना है। यहाँ पे आप क्या क्या करना है, सारा इकट्ठे पेस्ट कर देना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है, जितना आपको पेस्ट नहीं करना उतना सिलेक्ट करना, ये कट पे क्लिक कर देना है। कट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक टैग पेस्ट हो गया। अब दूसरा कैसे होगा, दूसरा यहाँ पे फिर इसको पेस्ट करके फिर इसको सिलेक्ट करिए। चलिए मैं जैसे जैसे सिलेक्ट करता हूँ, अगर आप कॉपी किए तो ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ पे कट पे क्लिक करिए,
दूसरा सेलेक्ट हो गया। अब फिर यहाँ पे दिख रहा है, ये जो हमारे YouTube वीडियो यहाँ पे दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करिए और फिर इसको सेलेक्ट करिए। अब जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर कट पे क्लिक करिए, देखिए पेस्ट हो गया। ऐसे आपको फटाफट कर लेना। चलिए मैं फटाफट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों टैग को पेस्ट करने के बाद, लिखने के बाद इसको बैक कर देना। बैक करने के बाद आपको पहले सेव कर देना, ठीक है। अब सेव करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं अभी ये पूरी तरह से अपलोड नहीं हुआ है। अभी ये अपलोड हो जाए तो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये वीडियो पूरी तरह से डाउनलोड हो चुका है। अब आपको क्या करना दोस्तों, ये पेंसिल वाली आइकन पे क्लिक करना है। अब पेंसिल वाली आइकन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन भी हो गया और यहाँ पे टैग भी आपने लिख लिया। अब टैग लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, विजिबिलिटी पे आपको क्लिक करना है। विजिबिलिटी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आपको वीडियो तुरंत पब्लिश करना है तो पब्लिश पे क्लिक करके, अब पब्लिश करके इसको सेव कर दीजिए, पब्लिश हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये वीडियो मैं आज नहीं पब्लिश करूंगा, कल पब्लिश करूंगा या दो घंटे बाद पब्लिश करूंगा, तो आपको क्या करना दोस्तों, ये शेड्यूल जो लिखा हुआ ना, आपको शेड्यूल पे क्लिक करना है। शेड्यूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टाइम सेट करना है। यहाँ पे जो लिखा हुआ ना 16 नवंबर 2023 लिखा, आपको इस पे क्लिक कर लेना। और क्लिक करने के बाद दोस्तों इसका टाइम सेट करना, जैसे मैं ये वीडियो कल पब्लिश करना चाहता हूँ, कल यहाँ 1:30 पे मैं इस वीडियो को पब्लिश करना चाहता हूँ, तो इसका मैं टाइम सेट कर लूंगा। चलिए मैं टाइम सेट कर लेता हूँ। अब जैसे दोस्तों आज 15 तारीख है तो कल का 16 तारीख है, 16 पे क्लिक किया हमने। और 16 पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे 1 पे क्लिक किया और ये 30 दिख रहा ना, 1:30, 30 पे क्लिक करने के बाद पीएम सेलेक्ट कर लेंगे। पीएम सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लिखा 16 नवंबर 2023 1:30 PM पे लोकल टाइम ये पब्लिश हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एरो पे क्लिक करके बैक आ जाना और यहाँ पे सेव कर देना। अब सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपका शेड्यूल में चला गया। अब जैसे आपका टाइम होगा वैसे ये ऑटोमेटिक पब्लिश हो जाएगा। अब दोस्तों अब बात कर लेते हैं बोनस पॉइंट का। अब दोस्तों एक चीज मैं दिखा रहा हूँ, किसी भी वीडियो पे हम आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे आ गए किसी भी वीडियो पे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ इसको। अब कोई सा भी वीडियो ओपन हो जाए, मेरा थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेडिंग ज्ञान का एक चैनल है। अब यहाँ पे इसको हमने क्लिक किया। अब सपोज करिए इसका डिस्क्रिप्शन आपको किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको कॉपी करना है, किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको पसंद आ गया, टाइटल डिस्क्रिप्शन पसंद आ गया। अब इसको अगर आपको कॉपी करना है तो इसके लिए एक बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है दोस्तों, आपको प्ले स्टोर में अवेलेबल है, ये मिल जाएगा। अगर वहां से नहीं मिलेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिवर्सल कॉपी नाम का एक एप्लीकेशन है दोस्तों, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और उससे आप हर किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर सकते हैं। और या आपके स्क्रीन पे जो भी आपका कीवर्ड्स वगैरह टाइटल डिस्क्रिप्शन आ जाए उसको आप बहुत आसानी से कॉपी कर सकते हैं। कैसे कॉपी करेंगे, जब उसको ओपन कर लेंगे और परमिशन दे देंगे तो यहाँ पे जो नीचे आपको दिख जाएगा यूनिवर्सल कॉपी, एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्कैनर मोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्शन का टाइम आएगा, इसको ऊपर करके यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करेंगे, या जो आपको सिलेक्ट करना उसको सिर्फ क्लिक करके यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं दोस्तों। यह था बोनस पॉइंट और ये था दोस्तों वीडियो अपलोड करने का सबसे बेस्ट तरीका। अगर इस तरीके से आप वीडियो अपलोड करते रहेंगे तो आपको मैं ये नहीं कहता हूं कि हर वीडियो आपका वायरल होगा, पर ये है कंटिन्यू इस तरह से वीडियो आप अपलोड करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। अगर न्यू यूट्यूबर है तो कुछ वीडियो काम करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे, कभी ना कभी आपका वीडियो 100% वायरल हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है वीडियो अपलोड करने का दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो हमारे YouTube पे देख रहे हैं तो YouTube पे सब्सक्राइब कर लीजिए और Facebook पे देख रहे हैं तो Facebook पे फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक यूनिक कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।